Audio Jungle. इंदौर के सत्य साई चौराहे पर तेज गति से आ रही कार की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसमें एसपी की बेटी बैठी हुई थी। गाड़ी का नंबर शशि हिंगलकर के नाम से रजिस्टर्ड है। जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस समय गाड़ी को ड्राइवर चला रहा था। दरअसल जिस समय हादसा हुआ उस समय पुलिस और प्रशासन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों की क्रॉस रिपोर्ट भी दर्ज की, जिसमें फरियादी दीपक जैन मंगलवार को जनसुनवाई पर पहुंचे, जहां उन्होंने एसएसपी को आवेदन दिया। फरियादी का कहना था कि एक्सीडेंट के वक्त पुलिस जवानों के आते ही ड्राइवर ने फोन लगवा कर किसी से बात करवाई, जिससे पुलिस जवानों ने फरियादी की एक न सुनते हुए दूसरे पक्ष की गलती होने के बाद भी दोनों की क्रॉस रिपोर्ट दर्ज की। मैंने बहुत बोला कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि एफआईआर 279 नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे लॉ का नॉलेज नहीं है। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, किसी तिवारी जी हैं उन्होंने बताया, जो पुलिस में है किस पोस्ट पे आई डोंट नो, उन्होंने मुझे बोला कि 279 लगाना। कम से कम 5-7 लोगों ने मुझे बोला 279 लगाना, बट पुलिस वालों को कहना यही था यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा ही सर है वहाँ कर्मावत जी, शायद उन्होंने मुझे ये बोला कि यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत चिड़े भी वो, मुझ पर गुस्सा भी हुए कि मैडम यही हो सकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप हम कर रहे हैं ना, हमें करने दीजिए, आप हमें हमारी ड्यूटी मत बताइए। मैंने बोला कि सर आप मुझे लिखित में दे दीजिए, यही हो सकता है, यही रूल है और यही फॉलो हो सकता है, आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट।